नमस्कार, एडवांस कंट्रोल ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप सीखेंगे कि दूसरे और उच्च ऑर्डर के एक कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम को कैसे परिभाषित करते हैं, स्टेप और साइन इनपुट्स पर रेस्पॉन्स कैसे प्लॉट करते हैं, बोर्ड प्लॉट कैसे बनाते हैं, न्यूमर और डिनोम साइलैब फंक्शंस का कैसे अध्ययन करते हैं, सिस्टम के पोल्स और जीरोस कैसे प्लॉट करते हैं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ साइलैब 5.3.3 के साथ उबंटु 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ट्यूटोरियल के अभ्यास से पहले आपको साइलैब और कंट्रोल सिस्टम्स की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। साइलैब के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध साइलैब ट्यूटोरियल्स को देखें। इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगी कि सेकंड ऑर्डर लीनियर सिस्टम को कैसे परिभाषित करते हैं। अतः पहले हमें कॉम्प्लेक्स डोमेन वेरिएबल s को परिभाषित करना है। साइलैब कंसोल विंडो को खोलते हैं। यहाँ टाइप करें s equals to poly ब्रैकेट खोलें 0 कॉमा सिंगल कोट खोलें s सिंगल कोट बंद करें ब्रैकेट बंद करें एंटर दबाएं। आउटपुट है s। s को कंटीन्यूअस टाइम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की तरह परिभाषित करने का एक अन्य तरीका है। कंसोल विंडो पर टाइप करें s equals to परसेंटेज s, एंटर दबाएं। अब syslin scilab कमांड का अध्ययन करते हैं। कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम को परिभाषित करने के लिए scilab फंक्शन syslin का उपयोग करते हैं। g of s is equal to 2 by 9 plus 2s plus s square। स्टेप रेस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए स्टेप विकल्प के साथ csim प्रयोग करें और फिर स्टेप रेस्पॉन्स प्लॉट करें। अब साइलैब कंसोल विंडो खोलते हैं। यहाँ टाइप करें sys कैपिटल G equals to syslin ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें c सिंगल कोट बंद करें कॉमा 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट खोलें s स्क्वायर प्लस 2 asterisk s प्लस 9 ब्रैकेट बंद करें ब्रैकेट बंद करें। यहाँ C उपयोग होता है क्योंकि हम एक कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम परिभाषित कर रहे हैं। एंटर दबाएं। आउटपुट लीनियर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जो 2 by 9 plus 2s plus s square से परिभाषित होता है। फिर टाइप करें t equals to 0 colon 0.1 colon 10 semicolon। एंटर दबाएं। फिर टाइप करें y1 is equal to csim ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें step सिंगल कोट बंद करें कॉमा t कॉमा sys कैपिटल G ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन। एंटर दबाएं। फिर टाइप करें plot ब्रैकेट खोलें t कॉमा y1 ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन। एंटर दबाएं। आउटपुट दिए गए सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स दिखाएगा। अब साइन इनपुट के लिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम रेस्पॉन्स का अध्ययन करते हैं। साइन इनपुट्स इनपुट की तरह सेकंड ऑर्डर सिस्टम से कंटीन्यूअस सिस्टम तक आसानी से दिए जा सकते हैं। अब हम साइलैब कंसोल विंडो खोलते हैं। टाइप करें u2 is equal to sin ब्रैकेट खोलें t ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन। एंटर दबाएं। फिर टाइप करें y2 is equal to c sim ब्रैकेट खोलें u2 कॉमा t कॉमा sys कैपिटल G ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन। एंटर दबाएं। यहाँ हम कंटीन्यूअस टाइम सेकंड ऑर्डर सिस्टम sys G उपयोग कर रहे हैं जो हमने पहले परिभाषित किया था। फिर टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट खोलें t कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट खोलें u2 सेमीकोलन y2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें ब्रैकेट बंद करें। निश्चित कर लें कि आपने u2 और y2 के बीच सेमीकोलन लगाया है क्योंकि u2 और y2 समान आकार के रो वेक्टर्स हैं। एंटर दबाएं। यह प्लॉट स्टेप इनपुट और साइन इनपुट पर सिस्टम का रेस्पॉन्स दिखाता है। यह रेस्पॉन्स प्लॉट कहलाता है।
रेस्पॉन्स प्लॉट उसी ग्राफ पर इनपुट और आउटपुट दोनों को प्लॉट करता है, जैसे अपेक्षित है आउटपुट साइन वेव ही है और इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज लैग है। एम्पलीट्यूड इनपुट और आउटपुट के लिए भिन्न है क्योंकि यह ट्रांसफर फंक्शन से पास किया जा रहा है। यह विशिष्ट अंडरडैम्प्ड उदाहरण है। अब 2/9 + 2s + s² का बोर्ड प्लॉट प्लॉट करते हैं। कृपया ध्यान दें, कमांड FREQ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए साइलैब कमांड है। FREQ को वेरिएबल की तरह प्रयोग ना करें। साइलैब कंसोल खोलें और टाइप करें FR is equal to स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 0.01:0.1:10 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन, एंटर दबाएं। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है। फिर टाइप करें बोर्ड ब्रैकेट खोलें सिस कैपिटल जी कॉमा एफ आर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। बोर्ड प्लॉट दिखता है। अब एक अन्य सिस्टम परिभाषित करते हैं। हमारे पास एक ओवरडैम्प्ड सिस्टम P = s² + 9s + 9 है। अब इस सिस्टम के लिए स्टेप रेस्पॉन्स प्लॉट करते हैं। साइलैब कंसोल पर जाएं। अपने कंसोल पर टाइप करें P = s² + 9 * s + 9 और एंटर दबाएं। फिर कंसोल पर टाइप करें sys2 = syslin ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें c सिंगल कोट बंद करें कॉमा 9 / p ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। फिर टाइप करें t = 0:0.1:10 एंटर दबाएं। y = csim ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें स्टेप सिंगल कोट बंद करें कॉमा t, sys2 ब्रैकेट बंद करें सेमीकोलन एंटर दबाएं। फिर टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट खोलें t, y ब्रैकेट बंद करें एंटर दबाएं। ओवरडैम्प्ड सिस्टम के लिए रेस्पॉन्स प्लॉट दिखता है। p के रूट्स ज्ञात करने के लिए अपने कंसोल पर टाइप करें रूट्स ऑफ p और एंटर दबाएं। ये रूट्स सिस्टम sys2 के पोल्स हैं। सिस्टम के रूट्स या पोल्स प्रदर्शित होते हैं। ओवरडैम्प्ड सिस्टम की तरह इस सिस्टम के लिए समान तरीके से स्टेप रेस्पॉन्स प्लॉट करें। g(s) = 2/9 + 6s + s² जो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। फिर g(s) = 2/9 + s² जो अनडैम्प्ड सिस्टम है। g(s) = 2/9 - 6s + s² जो अनस्टेबल सिस्टम है। सभी स्थितियों के लिए साइनसोइडल इनपुट्स के लिए रेस्पॉन्स जांचें और बोर्ड प्लॉट भी प्लॉट करें। साइलैब कंसोल खोलें। सामान्य ट्रांसफर फंक्शन के लिए अंश और हर अलग से उल्लिखित किए जा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। कंसोल पर टाइप करें sys3 = syslin ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें c सिंगल कोट बंद करें कॉमा s + 6 + s² + 6 * s + 19 ब्रैकेट बंद करें एंटर दबाएं। सिस्टम को अन्य तरीके से परिभाषित करने के लिए टाइप करें g = (s + 6) / (s² + 6)/(s + 19) एंटर दबाएं। फिर अपने कंसोल पर यह टाइप करें sys4 = syslin ( (c) / (g) ) एंटर दबाएं।
दोनों तरीकों से हमें समान आउटपुट ही मिलता है। 6 plus s by 19 plus 6s plus s square वेरिएबल sys रेशनल है। इसके अंश और हर अनेक तरीकों से ज्ञात किए जा सकते हैं। sys of 2 numer of sys या numer of g अंश देता है। sys 3 या denom of sys functions प्रयोग करके हर की गणना की जा सकती है। PLZR फंक्शन प्रयोग करके सिस्टम के पोल्स और जीरोस प्लॉट किए जा सकते हैं। सिंटैक्स है PLZR of sys प्लॉट पोल्स के लिए x और जीरोस के लिए सर्कल्स दिखाता है। साइलैब कंसोल को खोलें। अपने साइलैब कंसोल पर निम्न टाइप करें: sys3 ब्रैकेट खोलें, 2 ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। यह रेशनल फंक्शन sys3 का अंश दिखाता है जो 6 plus s है। अन्यथा आप टाइप कर सकते हैं numer ब्रैकेट खोलें, sys3 ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। सिस्टम 3 का अंश दिखता है। हर प्राप्त करने के लिए टाइप करें sys3 ब्रैकेट खोलें, 3 ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। फंक्शन का हर दिखता है। आप निम्न भी टाइप कर सकते हैं: denom ब्रैकेट खोलें, sys3 ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। फिर टाइप करें plzr ब्रैकेट खोलें, sys3 ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। आउटपुट ग्राफ पोल्स और जीरोस प्लॉट करता है। यह सिस्टम के पोल्स और जीरोस के लिए क्रमशः क्रॉस और सर्कल दिखाता है। यह कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट किया जाता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सिस्टम को उसके ट्रांसफर फंक्शन से कैसे परिभाषित करते हैं, स्टेप और साइनसोइडल रेस्पॉन्स कैसे प्लॉट करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और जीरोस को कैसे ज्ञात करते हैं। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।